मीठे में जब भी कुछ बनाए ना तो सबसे पहले याद आती है हलवे की, जो कि बेहद आसान होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी बहुत होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे सिल्की स्मूथ एकदम रसीला सूजी का हलवा, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले इसका सही माप यानी कि सही क्वांटिटी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, फिर इसी कप से माप कर लेंगे 1 कप घी। और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज करना चाहते हैं तब आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता और 2 चम्मच लिए हैं किशमिश। फ्लेवर के लिए 3 हरी इलायची ली है, इनको क्रश करके हलवे में ऐड करेंगे। अब पानी लेंगे सूजी का 3 गुना, यानी कि 1 कप सूजी हमने ली है तो 3 कप इसके अंदर पानी जाएगा, तभी ये हलवा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार होगा। पानी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। इससे हलवे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, जैसा कि अक्सर हम प्रसाद वाले हलवे में देखते हैं। तो इसे मैंने पकने के लिए एक दूसरे चूल्हे पर रख दिया है, तब तक हम हलवा बनाने की बाकी की प्रोसेसिंग को कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच के जितना घी डालकर इसमें काजू और बादाम को पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाए तब हम इसमें किशमिश और पिस्ता को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने लगती है, इसीलिए इसे मैंने बाद में ऐड किया है। रोस्ट करने से ड्राई नट्स के अंदर क्रंचीपन आ जाता है, जिससे कि इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करने के बाद इन्हें पैन से निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए घी में बाकी का बचा हुआ घी भी डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को हमें अब लगातार चलाते हुए बड़े पेशेंस और प्यार के साथ मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है, और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना होने लगे। तो यहाँ सूजी को घी में भूनना सबसे ज़रूरी स्टेप है, तभी तो हलवे में बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसे भूनते टाइम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, क्योंकि तेज़ आँच पर सूजी जल्दी ही जलने लगती है। मैंने सूजी को अभी 2-3 मिनट तक ही रोस्ट किया है और सूजी में इस तरह से ये झाग से बनने लगे हैं। सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है, तो बस इसी टाइम पर इसमें डाल देंगे इसका खास इंग्रेडिएंट, वो है 1 चम्मच बेसन। इससे ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डालना है, ये थोड़ा सा बेसन ही हलवे में बाइंडिंग का काम करेगा और इसका फ्लेवर भी हलवे में ऐड होगा, जिससे हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तो अब हमें सूजी और बेसन को अच्छे से भूनकर इनका कलर चेंज होने तक अच्छे से पका लेना है। इसे पकने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई फ्लेम पर सूजी जल्दी से जलने लगती है। और अब देखिए सूजी का कलर पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और इसका दाना दाना भी कैसे दिखने लगा है। सूजी और बेसन को मिक्स करते हुए इसे लगातार चलाते रहना है और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इनका कलर चेंज ना होने लगे। जब इनका कलर इस तरह से ब्राउन सा आने लगे और इसके अंदर जो घी था वो भी अलग से दिखाई देने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे केसर वाला गर्म पानी। केसर डालने से इसके अंदर केसरिया कलर आ चुका है और इसका बढ़िया सा फ्लेवर भी पानी में ऐड हो गया है। तो बस अब हम इसे हलवे में मिक्स कर देंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद बाकी का बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूजी पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा सोख लेती है। जैसे जैसे सूजी पानी के साथ पकती जाएगी ये वैसे वैसे अपने अंदर सारे पानी को सोख लेगी। अब हम पैन को कवर कर देंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद चेक करते हैं तो देखिए सूजी ने सारे पानी को अपने अंदर सोख लिया है और ये थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी भी हो गई है। तो जब ये हलवा इस तरह से ड्राई ड्राई सा हो जाए ना, तब हम इसमें डाल देंगे ये 1 कप चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवे में आप चीनी को हमेशा एंड में डालें, तभी हलवे में आएगी एक शाइन और ये खाने में भी एकदम रसीला बनेगा। जैसे जैसे चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी हलवे का कलर और टेक्सचर एकदम से चेंज होने लगेगा। तो देखिए हलवे का कलर और टेक्सचर एकदम से चेंज हो गया है और चीनी भी हलवे में अच्छे से मेल्ट हो गई है।
अब फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 3 हरी इलायची जिनको मैंने क्रश करके लिया है। साथ में डालेंगे रोस्टेड ड्राई नट्स। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट फिर से पकाएंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर और टेस्ट हलवे में आ जाए। हलवे में एक्स्ट्रा शाइन और चमक को लाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप इस स्टेप को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे 1-2 मिनट तक फिर से पकाएंगे। इसको डालने से हलवे के अंदर एक अलग सी शाइन आएगी जिससे कि ये हलवा खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये पैन की तली को पूरी तरह से छोड़ने ना लग जाए। तो कुछ लोगों को एकदम ड्राई ड्राई सा हलवा पसंद आता है, अगर आप इसे और भी ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तब आप इसे थोड़ी देर तक और पका सकते हैं। यहाँ मैंने हलवे की थिकनेस को थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और शाम तक भी जब आप इस हलवे को सर्व करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। और ये देखिए, अभी मैंने हलवे को सिर्फ 1 मिनट तक ही लगातार चलाते हुए इसे पकाया है और इसने अब पैन को पूरी तरह से छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। आपको अभी ये हलवा थोड़ा लिक्विड सा दिखाई दे रहा होगा पर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये अपने आप ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। सर्व करने से पहले आप चाहे तो इसे गार्निश कर सकते हैं अपने पसंद के ड्राई नट्स के साथ और चाहे तो इसे ऐसे ही प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।